तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बजाज की डोमिनार 250 के बारे में। तो पहले मैं आपको इसका ओवरलुक दे देता हूं एक बार। कर देना बाकी अपन गाड़ी को स्टार्ट करके फीचर वगैरह कंप्लीट आज आपको बताने वाले हैं, प्राइसिंग, माइलेज, सभी चीजें। तो फ्रंट पे अपने को कुछ इस तरीके से ये मिलती है एलईडी लाइट के साथ में। यहाँ पे अपने को इसके डीआरएल मिल जाते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार इसके इंजन परफॉर्मेंस आदि के बारे में बता देता हूँ। यह है बजाज की डोमिनार 250, 248 सीसी इंजन के साथ अपने को मिलती है, जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है। गाड़ी के टोटल वेट या कर्ब वेट के बारे में बात करें तो 180 केजी का कर्ब वेट होता है। गाड़ी के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में बताएं तो इसके अंदर अपने को 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। गाड़ी के इंजन पावर के बारे में आपको बताएं तो 26.63 BHP का अपने को पावर मिल जाता है। और गाड़ी के कलर वगैरह के बारे में बताएं तो इसके अंदर अपने को रेड, ब्लैक, रेसिंग रेड सिल्वर, ब्लैक सिल्वर और ग्रीन के रूप में अपने को ये कुछ कलर मिल जाते हैं। गाड़ी के पावर की स्पीड के बारे में बताएं तो ये गाड़ी 10.5 सेकंड के अंदर 0 to 100 की स्पीड पकड़ लेती है। तो ये तो थी इसके कुछ इंजन की जानकारियां। अब मैं आपको एक बार शुरू से इसके फीचर वगैरह बता देता हूँ। तो अपन फ्रंट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर अपने को अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर, डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS सारी चीजें मिल जाती है। तो कुछ इतना बड़ा इसका अपने को डिस्क ब्रेक मिलता है। टायर साइज के बारे में आपको मैं बताऊं तो इसका टायर साइज है फ्रंट का 180R17 का, जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ब्रॉड भी है। और गाड़ियों के अंदर पीछे का टायर इतना चौड़ा रहता है, लेकिन इसका तो फ्रंट का भी है। यहाँ पर डिस्क ब्रेक के ऊपर कैलिपर पे ये कुछ ब्रांडिंग की हुई है। और इसके अंदर भी अपने को MRF का ही टायर मिलता है। गाड़ी के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बताएं तो काफ़ी हैवी और काफ़ी हार्ड इसके सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि मेटल के साथ है, सिल्वर कलर के अंदर। आप देख पा रहे हो मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ तो कितना इसका भारी सस्पेंशन है। फ्रंट लुक के बारे में बताएं तो ये इसके DRL हैं, जो कि अभी मैं आपको जला के दिखा दूंगा। ये इसकी फॉग लाइट है और यहाँ पर भी लाइट है, तो इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी होने वाली है। इंडिकेटर अपने को इस सीरीज के अंदर पल्सर, डोमिनार सभी में LED ही मिल रहे हैं, सभी नए वाले मॉडलों के अंदर। ये इसका फ्यूल टैंक के ऊपर कुछ इस टाइप की डिजाइन की हुई है पूरे की पूरी। ये आपको कम पैसों के अंदर काफ़ी अच्छी गाड़ी मिल रही है। हॉर्न के बारे में बताएं तो यहाँ पर अपने को एक सिंगल हॉर्न मिल जाता है। ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि यहाँ पे आप रेटर देख सकते हो। इसी के साथ साथ अपने को यहाँ पर कुछ कोलेंट वगैरह का भी मिल जाता है। तो ये गाड़ी लॉन्ग रूट के लिए काफ़ी बेस्ट होने वाली है। यहाँ पर साफ साफ बैजिंग की हुई है इंजन की
यहाँ पर आप देख सकते हो 248.77 सीसी का अपने को इंजन मिलता है। यहाँ पर भी DTSI की बैचिंग की हुई है और कुछ रोज गोल्ड कलर की यहाँ पर एक डिजाइन है जो कि आप देख सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे इसका सलफ मिलता है और ये नीचे कुछ डिजाइन है मैट ब्लैक और ग्लोसी रेड के अंदर जो कि ठीक है। इसी के साथ में ये इसका ब्रेक, ये अपने को इसका फुट स्टैंड जो कि काफी अच्छा है। ये है मेटल के अंदर, ये मेटल प्लस ऊपर रबड़ मिल जाता है ताकि गाड़ी स्पीड में हो तो वाइब्रेट ना हो। ये अपने को इसका ब्रेक का पैडल मिल जाता है रियर का, जिसके ऊपर कोई रबड़ वगैरह का अपने को नहीं मिलता। पीछे की साइड में अपने को सिंगल सस्पेंशन मिलता है जो कि दिखने में काफी हैवी लग रहा है। साइलेंसर की बात करें तो ड्यूल बैरल के अंदर और काफी मस्कुलर लुक के अंदर अपने को साइलेंसर मिल रहा है। इस गाड़ी के अंदर आने वाले दिनों में आपको टूर करके डिटेलिंग से एक और वीडियो बनाऊंगा। पीछे के टायर साइज के बारे में बात कर ले तो पीछे का टायर आप देख पा रहे हो 130/70/8/17 का है जो कि काफी ब्रॉड टायर है इसका। पीछे अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ में। इसके व्हील के ऊपर भी कुछ रेड कलर की ग्राफिक वगैरह की डिजाइन की हुई है और आप देख सकते हो बिल्कुल आपको देखने में गाड़ी लगेगी बहुत ही महंगी। यहाँ पर इसका ब्रेक का ऑयल है जो कि काफी दूर से भी विजिबल हो रहा है। कुछ 11 शेप के अंदर अपने को पीछे की टेल लाइट मिल जाते हैं। पीछे के इंडिकेटर के बारे में बात करें तो वही LED के हैं। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए अपने को लाइट मिल जाती है और ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है। सीट के कंफर्टेबल और कुशनिंग के बारे में बात करें तो काफी ठीक है लेकिन पल्सर से हार्ड है। यहाँ पे अपने डोमिनार को अपने को लोगो मिल जाता है एक और यहाँ पे डोमिनार 250 का लोगो है। चैन सेट के बारे में बताएं तो काफी बड़ा चैन सेट है और यहाँ पर इसके टायर प्रेशर वगैरह की कंप्लीट जानकारी अपने को मिल जाती है। यहाँ पे एक सेफ्टी गार्ड लगाया हुआ है और यहाँ पर अपन की लगा के अपने की सीट को ओपन कर सकते हैं, उसमें हल्का फुल्का अपने को स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर के लिए लगाया हुआ है। एक 6 गियर बॉक्स के साथ में अपने को ये मिलती है जो कि एक नीचे और बाकी के ऊपर डलते हैं। इसका ये साइड स्टैंड मिल जाता है अपने को, मिडल स्टैंड नहीं मिलता और ना ही इसमें कहीं लगाने की जगह मिलती है। जैसा कि आप जानते हो कोई भी सुपर बाइक के अंदर अपने को मिडल स्टैंड नहीं मिलता, उसी की तरह ये है। तो कुछ इसका इस तरीके का इंजन का लुक निकल के आता है जो कि काफी हैवी बाइक में होता है, उसी की तरह इसमें भी है। और सामने एक रेडिएटर और साइड गार्ड मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक वगैरह की। तो इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया 13 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। यहाँ पर एक स्टिकर लगाया हुआ है जो कि काफी अच्छा निकल के आ रहा है और टंकी के ऊपर स्क्रैच ना हो। सेकंड में अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो टंकी का लुक भी काफी अच्छा है। ये फ्यूल टैंक के लिए यहाँ पर अपने को ABS वगैरह की लाइट मिल जाएगी जो, और ये मेन डिस्प्ले, ये की के लिए और मिरर की आप डिजाइन देख सकते हो, काफी अच्छा मिरर है इसका। ये अपने को पासिंग बटन, लाइट हेड लो के लिए, इंडिकेटर, हॉर्न, इंजन किल स्विच, लाइट के लिए भी एडिशनल अपने को मिल जाता है और ये सेल्फ के लिए। क्लच भी इसका काफी लाइट है और आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिस्प्ले। तो एक बार चाबी मंगवा लेते हैं उसके बाद में आपको इसका डिस्प्ले वगैरह दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इस तरीके की अपने को इसकी टेल लाइट मिल जाती है और फ्रंट लाइट आपको उस पर दिखाऊं तो कुछ यहाँ पे तो इसका DRL है जो कि दिन के अंदर इतना विजिबल नहीं हो पा रहा। और हेडलाइट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ।
काफी अच्छे विजेबल के साथ है, ना ही आंखों को चुभने वाली ये है। अब इसके डिस्प्ले का और दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर भी ब्लू कलर की अपने को लाइटिंग मिल जाती है दोनों साइड। ये चीजें नाइट के अंदर काफी अच्छे निकल के आती है। और डिस्प्ले के अंदर ये है इसका आरपीएम मीटर, ये है इसका ट्रिप वन ट्रिप टू, ये टाइमिंग के लिए फ्यूल के लिए, ये सब चीजें अपने को मिल जाती है यहाँ पे। ये आरपीएम हाई होने पे न्यूट्रल कूलेंट वगैरह के लिए, ये दो बटन अपने को दिए हुए हैं ट्रिप वन ट्रिप टू के लिए और अपना टाइम वगैरह सेट करने के लिए। तो यहाँ पे अपने को एक तो ODO किलोमीटर मिल जाता है, ट्रिप वन एंड ट्रिप टू तीन चीजें मिल जाते हैं। यहाँ पर एक अपने को बजाज की बैचिंग के साथ बैटरी इंजन ABS साइड स्टैंड का भी अपने को इसके अंदर फीचर मिल जाता है। तो वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने स्टैंड साइड में अप कर लिया तो इसका साइड स्टैंड का साइन चला जाता है। इस टाइप की अपने को इसकी की मिल जाती है। बजाज हमेशा ही छोटी से छोटी की रखने की कोशिश करती है, की के ऊपर कभी भी ये काम नहीं करती। तो डोमिनार 250 की मैं एक बार आपको आवाज सुना देता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका सलफ का बटन दिया जाता है, तो आप देख सकते हो काफी बेस के अंदर इसकी साउंड अपने को मिल जाती है। तो ये हमारी जानकारी थी कुछ बजाज डोमिनार 250 के लिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।